दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक ऐसा मंदिर है जो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में मंदिरों के मामले में सबसे ज्यादा संपत्ति का मालिक है। धन कुबेर इतना कि बड़ी बड़ी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियां इसके सामने फीकी पड़ जाएं। और ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस मंदिर ने 90 सालों में पहली बार अपनी कुल संपत्ति और नेटवर्थ का आंकड़ा जारी कर सबको चौंका दिया है। आंकड़ा जारी होने के बाद पता चला है कि ये मंदिर विप्रो, नेस्ले, ONGC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, NTPC जैसी बड़ी कंपनियों से भी बड़ा और ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ट्रस्ट द्वारा जारी डेटा में मंदिर की कुल संपत्ति 2.5 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। चौंकाए ना? जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 2.5 लाख करोड़ रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके पास इतनी संपत्ति और धन कुबेर है, और इस मंदिर के पास इतनी संपत्ति आई कहाँ से, और कैसे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से ज्यादा प्रॉफिटेबल है। हम सब कुछ इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, जिस मंदिर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो कोई आम मंदिर नहीं है। इस मंदिर का नाम तिरुपति बालाजी है जो कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। तिरुपति बालाजी मंदिर इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मेरू पर्वत के सप्त शिखरों पर बना हुआ है और इसकी 7 चोटियां शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक है, और शायद इसीलिए इसे 7 पर्वतों वाला मंदिर भी कहा जाता है। इन पर्वतों की चोटियों को शेषाद्री, नीलाद्री, गरुणाद्री, अजनाद्री, विष्टाद्री, नारणाद्री और वेंकटाद्री कहा जाता है। आपको बता दें कि वेंकटाद्री नाम की चोटी पर भगवान विष्णु विराजित हैं, और इसी वजह से ये मंदिर भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर स्वरूप को समर्पित है। दुनिया भर में इस मंदिर को गोविंदा श्रीनिवास और तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। माना तो ये भी जाता है कि ये मंदिर कलयुग में भगवान श्री विष्णु का निवास स्थान है। वैसे तो दोस्तों, साउथ इंडिया के सभी मंदिर भव्यता और सुंदरता के साथ साथ अपनी संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर इन सब में सबसे ज्यादा खास और लोकप्रिय है क्योंकि मंदिर यहाँ आने वाले चढ़ावे के मामले में दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। यहाँ हर रोज चढ़ावे में करोड़ों रुपए का दान आता है। चांदी से लेकर कीमती पत्थर, सिक्के और तो और कंपनी के शेयर और प्रॉपर्टी जैसी चीजें भक्त दान में दे देते हैं। आपको बता दें कि भगवान श्री विष्णु यानी कि बालाजी मंदिर की देखरेख करने के लिए बहुत पहले ही साल 1932 में एक ट्रस्ट बनाया गया था जिसका नाम तिरुमला तिरुपति देवस्थानम है। अब इस मंदिर के ट्रस्ट ने पिछले 90 सालों में पहली बार अपनी एक रिपोर्ट में मंदिर की कुल संपत्ति का आंकड़ा जारी किया है, और इसे आसान भाषा में कहें तो एक ब्यौरा जारी किया है। इसमें उन्होंने मंदिर की कुल संपत्ति जो बताई है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। अब ये रकम इतनी बड़ी है जो इंडिया जैसे बड़े देश के रक्षा बजट के लगभग आधे हिस्से के बराबर है। यही नहीं, मैं और सुनिए, ये हिंदुस्तान के 9 राज्यों की GDP से भी ज्यादा है जिसमें हिमाचल प्रदेश जैसे बड़े स्टेट भी शामिल हैं। और अगर इन रुपयों की तुलना डॉलर से कर दें तो ये करीब 30 अरब डॉलर्स हो जाएंगे। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के अनुसार मंदिर में करीब 5300 करोड़ का 10.3 टन सोना है जिसमें 2.5 टन गोल्ड की ज्वेलरी है। साथ ही 15,938 करोड़ रुपए की नगद राशि नेशनल बैंक्स में जमा है जिससे कि मंदिर के ट्रस्ट को भारी मात्रा में इंटरेस्ट आता है। यही नहीं, मंदिर के ट्रस्ट के पास पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर 7,123 एकड़ में फैली कुल 960 प्रॉपर्टीज हैं जिससे कि उन्हें लीज या रेंट से इनकम होती है। यानी हम कह सकते हैं कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के पास गोल्ड भी है, ज्वेलरी भी है, प्रॉपर्टी भी है, साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल बैंकों के पास पैसा भी जमा है। इतना ही नहीं, आपको मंदिर के दर्शन करने के लिए टिकट भी लेना पड़ता है जिसका चार्ज 50 या 100 नहीं बल्कि पूरे 300 रुपए पर पर्सन है। और तो और, यहाँ पर बहुत से भक्त अपने बालों को दान करते हैं जिससे ये मंदिर अच्छी खासी कमाई करता है। दरअसल यह मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने मन से सभी पाप और बुराइयों को भगवान वेंकटेश्वर के पास छोड़ जाता है उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सभी लोग अपने बाल छोड़ जाते हैं और उन्हीं बालों को विदेश में बेचकर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट साल भर में लगभग 150 करोड़ रुपए की कमाई कर लेता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है भगवान वेंकटेश्वर यानी तिरुपति बालाजी टेम्पल का प्रसाद बहुत फेमस है जिसके चलते श्रद्धालु अधिक मात्रा में प्रसाद की खरीदारी करते हैं जिसके कारण ट्रस्ट की खूब कमाई होती है? और आपको बता दें, इस प्रसाद को GI टैग भी मिल चुका है। एक्चुअली GI टैग का मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। ये टैग किसी भी रीजन के उस क्षेत्रीय उत्पाद को दिया जाता है जिससे उस क्षेत्र की पहचान होती है। इसका मतलब ये हुआ कि तिरुमला ट्रस्ट के पास इनकम के सोर्स ज्यादा है, और इन्हीं सब इनकम्स और चीजों को हम मिला के देखें तो ट्रस्ट का नेटवर्थ 2.5 लाख करोड़ रुपए बैठ जाता है जो कि भारत की कई सारी बड़ी बड़ी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों से भी इसे बड़ा बनाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2.5 लाख करोड़ रुपए में बहुत बड़ा हिस्सा सोने का है जो बालाजी मंदिर में भगवान श्री तिरुपति को चढ़ावे के तौर पर उन्हें भेंट किया जाता है।
यहाँ पर श्रद्धालु अपनी मुराद पूरी होने पर अत्यधिक मात्रा में गोल्ड और ज्वेलरी के आभूषण भगवान वेंकटेश्वर को चढ़ाते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर एक गोल्ड के दस्ताने दिख रहे होंगे जो कि किसी भक्त ने भगवान वेंकटेश्वर के लिए विशेष तौर पर बनवाया और फिर इस दस्ताने को भी चढ़ाया। इसके पीछे की कहानी है कि पिछले 50 सालों से भगवान वेंकटेश्वर का ये भक्त उनकी पूजा कर रहा था और वो कोरोना काल में अचानक से संक्रमित हो गया, जिसके बाद उसने भगवान वेंकटेश्वर से अपने अच्छे स्वास्थ्य की मन्नत मांगी। मन्नत पूरी होने के बाद भक्त ने 6 किलो गोल्ड से बने इस दस्ताने को भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित कर दिया, जिसकी कीमत 35 करोड़ रुपए थी। और आपको बता दें कि सितंबर महीने में रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी अपने करीबियों के साथ बालाजी मंदिर गए थे और तब उन्होंने करीब 1.5 करोड़ रुपए का दान किया था। इसी तरीके के भक्तों द्वारा चढ़ावे और दान की वजह से मंदिर विप्रो, नेस्ले, ONGC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, NTPC जैसी बड़ी कंपनियों से भी धनी मंदिर का ट्रस्ट बन गया है। अब जरा हम उन ब्लू चिप कंपनीज की भी बात कर लेते हैं जो कि कमाई के मामले में ट्रस्ट ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि ब्लू चिप कंपनीज उन कंपनीज को कहा जाता है जो स्टॉक मार्केट में बहुत हाई वैल्यूएशन रखने के साथ साथ बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। इनमें सबसे पहला नाम है विप्रो का, जिसकी मार्केट कैप है 2.1 लाख करोड़ रुपए। दूसरा है अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसकी मार्केट कैप है 1.99 लाख करोड़ रुपए। तीसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड की नेस्ले, 1.96 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप के साथ। फिर आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसकी मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ रुपए। टाटा मोटर्स 1.55 लाख करोड़ रुपए। रियल एस्टेट फर्म DLF 98,000 करोड़ रुपए। वेदांता 1.17 लाख करोड़ रुपए। ऐसे भारत की सरकारी कंपनी ONGC 1.7 लाख करोड़ रुपए, NTPC 1.6 लाख करोड़ रुपए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 1 लाख करोड़ रुपीस एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कोल इंडिया लिमिटेड की 1.42 लाख करोड़ रुपीस के वैल्यू से भी बड़ा है तिरुपति का तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट। अब देखा जाए तो भारत में सिर्फ 12 या 13 ही ऐसी ब्लू चिप कंपनीज हैं जो ट्रस्ट से बड़ी हैं, या आप कह सकते हैं कि जिनका नेटवर्थ ट्रस्ट से बड़ा है। इसमें मुकेश अंबानी का रिलायंस ग्रुप, जिसका मार्केट कैप 18.6 लाख करोड़ रुपए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 13.5 लाख करोड़ रुपीस, HDFC 4.8 लाख करोड़ रुपीस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5 लाख करोड़ रुपीस जैसी नाम शामिल हैं। 2019 के बाद से सोना और नकद में हुई भारी बढ़ोतरी पर ट्रस्ट का क्या कहना है? आपको बता दें तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के वर्तमान कार्यकारी अधिकारी AV धर्म रेड्डी ने ट्रस्ट का ब्यौरा देते हुए बताया कि हमारे ट्रस्ट के पास साल 2019 से कई बैंकों में 13,025 करोड़ रुपए नकद जमा थे, जो इंटरेस्ट के साथ बढ़कर 15,938 करोड़ रुपए हो गए और पिछले 3 सालों के इन्वेस्टमेंट में करीब 2900 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। वहीं ट्रस्ट के द्वारा ये भी बताया गया कि भक्तों द्वारा भगवान विष्णु को चढ़ाया गया गोल्ड और ज्वेलरी को हमने कई बैंकों में निवेश किया है, जिससे हमें काफी फायदा हुआ है। आपको बता दें कि साल 2019 में ट्रस्ट के पास 7,339.74 टन सोना जमा था, जो पिछले 3 सालों में 2.9 टन बढ़कर 7,342.64 टन हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हमने अपने इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस को और अधिक मजबूत किया है और श्रद्धालुओं के हर एक दान को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुल मिला जुलाकर बात यही निकली कि अगर तिरुपति बालाजी मंदिर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी होती तो इसका नाम इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में शुमार होता। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में लोगों की आस्था कहाँ तक है। और आपको तो पता ही कि हमारा भारत सदैव ही धार्मिक देश रहा है। तो दोस्तों, ये थी धन कुबेर बालाजी टेम्पल की पूरी सच्चाई और अखूब संपत्ति के मालिक भगवान वेंकटेश्वर की पूरी कहानी। साथ ही आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ कहना या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा।